साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू में पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू में पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, करो, शामिल करो, शामिल करो। जम्मू में पढ़े लिखे जेपी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय। भाई जी क्या कर रहे हो? लाओ लाओ बच्ची क्या? बीजेपी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पढ़े लिखे युवाओं के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। पढ़े लिखे युवाओं के इलेक्शन हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी आए और यहाँ से भी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो यूथ का एम्पावरमेंट होगा, नौजवानों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में अब्सॉर्ब किया जाएगा, उनके लिए नए एवेन्यूज क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन पिछले 5-6 सालों से जिस तरीके से नौजवानों की अनदेखी हो रही है, उनके लिए कोई भी एवेन्यूज नहीं है। आज नौजवान जो है वो आहत है, गुस्से में है और जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बड़े बड़े वादे किए गए, जब रियासत को पुनर्गठन किया गया और इसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया तो ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को कंपनसेट किया जाएगा, 50,000 जो नौकरियां के रिक्त पद पड़े हुए थे उनको 3 महीने के अंदर भरा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं की गई। उसके बाद जनवरी में जब बजट सेशन पार्लियामेंट का हुआ तो वहां भी कहा गया था कि 50,000 नई नौकरियां जम्मू कश्मीर के लिए क्रिएट की गई हैं, यानी कुल मिलाकर 1,00,000 नौकरी देने का वादा किया गया था और उसके ऊपर जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर नौकरियां देने का वादा किया था। 1 साल गुजर जाने के बाद आज नौकरियां कहीं भी नहीं है और नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। नौजवानों के साथ धोखा हुआ है और जिस तरीके से रुसवाई हो रही है यहाँ, जिस तरीके से नौजवानों के साथ एक गलत व्यवहार हो रहा है, उसी को लेकर आज यहाँ हमने प्रदर्शन किया।